एनआईए की विशेष अदालत ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दे दिया है। अदालत ने एनआईए को कहा है कि वह यासीन मलिक की माली सूरत हाल पता लगाने के लिए उसकी संपत्ति का विश्लेषण करे। इसके अलावा कोर्ट ने यासीन मलिक को भी अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने के लिए कहा है। अब यासीन मलिक की सजा की सुनवाई 25 मई को होगी। इससे पहले मंगलवार को यह खबर आई थी कि यासीन मलिक ने सभी आरोपों में अपना जुर्म कबूल किया है। इनमें UAPA के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं। यासीन मलिक के खिलाफ जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, ऐसे में उसे ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। यासीन मलिक पिछले 32 साल से भारत विरोधी आंदोलन में सक्रिय है। उसे 1984 में पहली बार कैद किया गया था। यासीन मलिक पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों के कत्ल का भी आरोप है, जिसे उसने कबूल किया था। इसके ऊपर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिका सईद को अगवा करने के भी आरोप लगे हैं। DRV न्यूज ब्यूरो, मुंबई।